सबसे पहले सबसे तेज। हरियाणा के नारनौल में हरियाणा पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर पैसे ठगने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने किया है पर्दाफाश। नमस्कार, मैं रमन सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। हरियाणा के नारनौल में हरियाणा पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर पैसे ठगने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपी पैसे लेकर सरकारी विभाग में फर्जी तरीके से भर्ती करवाते थे। गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मामले में अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अकेडमियों के संचालक भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 13,50,000 रुपये, 8 तोले सोना और 2 गाड़ियां बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा 9 बैंक खाते भी सीज करवाए गए हैं। शिकायतकर्ता धर्मवीर वासी सुजनवास ने थाना सदर महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी मुलाकात नरेश वासी सीगड़ा से 2021 में हुई थी। नरेश सुजनवास में काफ़ी लोगों के संपर्क में था। नरेश ने शिकायतकर्ता को बताया था कि वह पचेरी में यूएसए डिफेंस एकेडमी के नाम से कोचिंग सेंटर चला रहा है और हरियाणा पुलिस का गारंटी बैच शुरू करने जा रहा है, जिसमें फीस 3,00,000 रुपए है। शिकायतकर्ता के बेटे ने भी हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा था, जिसके बारे में बात करने पर नरेश ने 3,00,000 रुपए एडवांस देने की बात कही और बताया कि अगर गारंटी बैच में सिलेक्शन नहीं हुआ तो केवल हॉस्टल की 8,000 प्रति महीना फीस काट कर पैसे वापस मिल जाएंगे। शिकायतकर्ता ने उसको 3,00,000 रुपए दे दिए। नरेश ने कहा कि 5-7 दिन बाद बेटे को पचेरी हॉस्टल में भेज देना। शिकायतकर्ता ने लगभग 8-10 दिन बाद नरेश के पास पूछने के लिए फ़ोन किया कि बेटे को कब भेजना है, तो इस पर उसने कहा कि आपको नौकरी से मतलब है, 15,00,000 दे देना, सारा काम मैं खुद करवा दूंगा और काम नहीं हुआ तो महीने के अंदर ही पैसे वापस कर दूंगा। मामले को संज्ञान में लेते हुए इकोनॉमिकल सेल की टीम को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए इकोनॉमिक सेल की टीम ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में 19 अप्रैल को मुख्य आरोपी नरेश वासी सीगड़ा को गिरफ्तार किया। वर्ष 2008 में आरोपी नेवी सिपाही लगा था, लेकिन 5 दिन में ही नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद वर्ष 2012 में आईटीबीपी में बतौर हेड कांस्टेबल लगा। वर्ष 2013 में नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद वर्ष 2018 तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था। नरेश ने पहले आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू वासी चिडालिया के साथ मिलकर सिखावटी डिफेंस एकेडमी राजस्थान के सिंघाना में खोली थी। पूछताछ में पुलिस ने पता लगाया कि आरोपी अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पेपर लीक हैक करवाकर सेटिंग करके बच्चों के परिजनों से रुपए लेकर भर्ती करवाने का काम करते हैं। इससे पहले भी नेवी, एयरफोर्स इत्यादि में रुपए लेकर बच्चे भर्ती करवाए थे। आरोपी भर्ती देखने वाले बच्चों के एडमिट कार्ड में सीटों के फोटो की मिक्सिंग व एडिटिंग का काम करते थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी परवीन वासी भालोट थाना पचेरी को गिरफ्तार किया। इसने नरेश से 3-4 बच्चों को भर्ती करवाने की बात की थी। राजेश वासी खादवा थाना पचेरी नौकरी लगने वाले बच्चों को नरेश से मिलवाता था और अपना कमीशन लेता था। मामले में गिरफ्तार मनोज वासी भगडाना ने मामले में संलिप्त आरोपी को भगाने में मदद की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी नरवीर वासी ठाणी बाया वाली नांगल चौधरी और आरोपी राजवीर वासी बिटेड़ा थाना बहरोड ने यूएसए डिफेंस एकेडमी में कोचिंग के लिए दाखिला लिया था, लेकिन बाद में नरेश के साथ मिलकर काम करने लग गए। मामले में पुलिस द्वारा योगेश वासी गोधा कबास रघुवीरपुरा थाना सुरजनगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जो कमीशन लेकर भर्ती होने वाले बच्चों को नरेश से मिलवाता था। इस प्रकार पुलिस ने राजस्थान व हरियाणा के करीब 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये पूरा मामला हुआ था, जिसमें आपने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, कितने कुछ आरोपी देखिए, इसमें हमने 32 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें 19 हरियाणा के हैं, 9 राजस्थान के हैं, 3 बिहार से हैं और एक अभी यूपी से हैं। मामला ये है कि जो हरियाणा पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था 2021 में कॉन्स्टेबल पद के लिए,
उसमें सुरजन राज के चार व्यक्तियों से नरेश चिगड़ा द्वारा पैसे लिए गए थे। इनके अन्य साथी जिनकी कमीशन थी अगर भर्ती हो जाए उनको गिरफ्तार किया गया है। जो एकेडमी संचालक थे जो कि काम करते थे कि भर्ती के पैसे लेना और लैब ओनर्स के साथ सेटिंग करवा के हैकिंग के थ्रू या सीटर्स के थ्रू एग्जाम दिलवाना, उसमें हमने टोटल 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो एक बात सामने आई थी, हमारे सामने तफ्तीश आई के दौरान एक तथ्य सामने आया था कि बायोमेट्रिक चेंज करवाने के लिए पैसे लिए गए हैं। वो डीसी ऑफिस पंचकुला में क्लर्क के पद में था नितिन यादव, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया पुलिस रिमांड में, और जो भी आगे इंटेरोगेशन में पार्ट आएंगे आपके साथ आगे। सर कुछ अकेडमी संचालक भी आपने गिरफ्तार किए, कौन कौन से अकेडमी में काम कर रहे? देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अकेडमी रोहतक में भी है, अपने राजस्थान में भी है। जैसे नरेश खुद एक अकेडमी चलाता था, अनिल भास्कर, जेपी नारायण, तो इनकी अकेडमी भास्कर अकेडमी रोहतक है, गुरुकुल अकेडमी चक्की दादरी है, शिकावती अकेडमी बुहाना राजस्थान में, यूएसए अकेडमी कचेरी में है। तो अन्य अकेडमी के नाम भी आए हैं और लैब्स के नाम भी आए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन पर्पज से अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर जैसे इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी हम आपसे नाम बता देंगे। सर क्या कुछ रिकवर हुआ? देखिए इनसे जो रिकवरी हुई है वो 13.5 लाख कैश रिकवरी हुई है, 3 गाड़ियाँ तकरीबन 50 लाख के करीब, और 6 लाख के अराउंड गोल्ड रिकवर हुआ है। साथ में 9 अकाउंट हमने इनके सीज करवाए हैं जिन्होंने भर्ती के नाम पे पैसे लिए थे, और आगे भी हम इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी इस पैसे से जो भी प्रॉपर्टी ली जाएगी उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे। सर जो भर्तियाँ हुई उनको भी गिरफ्तार करेंगे? देखिए जो भर्तियाँ हुई हैं इन्वेस्टिगेशन में जैसे फैक्ट्स आएंगे, पर ये जांच का विषय जरूर रहेगा कि इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से, और क्या अगर इनके पास इतने पैसे आए हैं तो इन्होंने परिवार पहचान पत्र में अपनी राशि क्या बताई है। पर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि 10-12 लाख रुपया बड़ी रकम होती है, टोटल सारा पैसा कैश में गया है, अगर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिख के देना पड़े तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख के देंगे।